अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे? हम बहुत 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 खुश हैं क्योंकि रमज़ान जो है ना वो बहुत करीब आ गया है। माहे रमज़ान जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। सऊदी अरेबिया में फ़र्स्ट रोज़ा था और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे यहाँ भी जो है ना कल पहला रोज़ा होगा। और हमने जो है ना करानी थी इफ्तारी, तो जिसकी वजह से मैं जो है ना चीज़ें रेसिपीज़ भी बनाऊँगी और साथ साथ जो है ना मेरी क्लिनिंग भी जो है ना चल रही है। तो मैंने सोचा पहले जो है कुकिंग रेंज जो है ना उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, फिर आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये समोसे रोल का जो है ना वो पेस्ट बना लिया था और अब मैं जो है ना आपको बताती हूँ किस तरह से मैं इसको बाइंड करती हूँ। यहाँ पर मेरे पास मैदा है, उसके पास उसके अंदर मैं दूध ऐड कर दिया और उसको मिक्स कर लिया और जो है ना वो बन गई ग्रेवी सी। उसके साथ जो है मैं उसको रोल और समोसे की जो पट्टियाँ होती हैं उनको लगाऊंगी और उसी के साथ उसको जो है ना बाइंड करूंगी। तो आप भी देखिए, ये देखिए जी मेरी फिलिंग जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैंने मकरूनी, चिकन, गाजर और कैप्सिकम और इसके अलावा जो है ना मैंने बंद गोभी जो होती है वो भी ऐड किया है थोड़ी थोड़ी, और साथ में जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना सोया सॉसेस में, जैसे कि चिली सॉस होती है, विनीगर होता है, सोया सॉस होती है, वो भी मैंने थोड़ी थोड़ी ऐड कर दी थी। और दीगर घर के मसाले जैसे कि जो होती है तुड़ा मिर्च होती है जिसे दादर मिर्च भी कहा जाता है, साथ में नमक ऐड कर दिया था और हल्की सी जो है ना मैंने इसके अंदर कलवंजी भी ऐड कर दी थी। तो इससे हमारा जो टेस्ट था वो बहुत चटपटा सा बन गया था। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आपको इसकी भी रेसिपी शेयर करेंगे। और आप ये जो अहतमाम है ये हम रमज़ान के लिए तो करते ही हैं और हमारे यहाँ फर्स्ट रमज़ान में जो है ना वो अफ्तारी है, और इसलिए मैंने दो दो दिन पहले जो है ना प्रिपरेशन जो है ना स्टार्ट कर दी थी। कुछ चीज़ें जो थी ना मेरी रह गई थी और कुछ चीज़ें जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वैसे हम सब जो है ना रमज़ान के आने की खुशी बहुत 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 सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन इस बार जो है ना हमारा फर्स्ट रोज़ा बहुत डिफरेंट होने वाला है। और आप अब देखिए यहाँ पे फहद भी जो है ना मेरे साथ आ गया है। उसने बोला कि मम्मा जानी मैं भी आपके साथ जो है ना हेल्प करवाऊंगा। तो आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह से जो फर्स्ट समोसा है ना उसको बाइंड किया है। तो साथ ही साथ मैंने सोचा कि आपके साथ बातें भी करते रहेंगे और साथ ही साथ जो है ना हमारे जो समोसे रोल है वो भी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे ना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मैक्सिमम जो है ना मुझे आधा घंटा लगा था क्योंकि फहद भी मेरे साथ आ गए थे। अभी आगे आप देखेंगे भी तो फबीहा की जो है ना बर्थडे है, ठीक है, 10 मार्च को फबीहा की बर्थडे आती है, लेकिन हमने सेलिब्रेशन नहीं की थी। हमने सोचा था कि रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान की खुशी के मौके पर जो है ना हम फर्स्ट रमज़ान को ही फबिया की बर्थडे भी कर लेंगे और अफ्तारी भी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मेरा रोल भी यहाँ पर बना रेडी हो आप चुका है। सबको और आप सबको रमजान मुबारक। क्यों फहादात ने नहीं कहना? फायद आप भी कह दो ना आप। तो फ्रेंड, रमजान का चांद नजर आ गया है और आप सबको हमारे पूरे घर वालों की तरफ से रमजान उन मुबारक। छोड़ दी तो फा तो भी हेल्प करने आ गए हैं मम्मा की। क्यों फबिया, साजी तो आपने रमजान मुबारक कर लिया सबसे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आज माह रमजान का चांद नजर आ गया है। आप सबको हमारे पूरे घर वालों की तरफ से माह रमजान मुबारक, और जो भी हमारे मुल्क में हैं और हमारे मुल्क से बाहर हैं उनको भी माह रमजान मुबारक। सबको 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 रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम फबीहा, गुड मॉर्निंग, गुड जाओ, सुबह सहरी का टाइम हो गया, अभी आगो थाने जा रहा हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो जी हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह फर्स्ट सहरी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक ने एक बार फिर जो है ना रमज़ान जो नसीब किया है। तो मैं सहरी बना रही हूँ और बच्चे सो रहे हैं, तो फात के फात को भी जगाएं। फहद बेटा उठ जाओ, सहरी का टाइम। फहद अस्सलामु अलैकुम, उठ जाएं, सुबह सुबह सहरी का टाइम हो गया, उठ जाओ मेरा बेटा, रोजे की तैयारी करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? सब साहब ठीक ठाक होंगे और कैरियर होंगे? हम भी ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज है पहला रमजान, तो हम सब उठ गए हैं सहरी करने के लिए। मामा जान बना रही है रोटियां और बहना उठ गई है, मैं भी उठ गया हूँ, मैंने फेस वॉश कर लिया, बहना ने भी कर लिया, अब हम बैठे हुए हैं। अभी क्या टाइम हुआ है? अभी हम क्या टाइम हो गया? 3:20 हो गए। ये हमारा पहला रोजा है
पहला रोजा इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। तो फ्रेंड मैं भी सैरी के लिए उठ गई हूँ, अब देखें मेरे से रोजा रखा जाएगा या नहीं। स्कार्फ भी पहन लो मेरा बेटा, स्कार्फ पहन लो, बड़ा स्कार्फ, रमजान आया, रोजा रखो जी, है ना। शाबाश, ये हुई ना बात। देखो जो बेटियां होती हैं ना वो स्कार्फ के अंदर बहुत प्यारी लगती हैं माशाल्लाह। अल्लाह तेरा है एहसान, रोजे नमाजे और कुरान है। अल्लाह तेरा है एहसान, सबकी बना दी तूने शान। आया है बनके मेहमान नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। क्या बात। तो जी लग चुकी है सैरी। सैरी में है पराठे, कोरमा, चने, दही। बहुत मज़ेदार सैरी होगी फ्रेंड्स। आपने हमारे साथ रहना, कहीं जाइएगा मत। जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा फर्स्ट केक बनके रेडी है। सुभान अल्लाह, घर में डॉल केक बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह आप सबको भी किसी ना किसी दिन डोल केक की फुल वीडियो जरूर देंगे। अभी यहाँ साजिद के लिए ना डोल केक बना रही हूँ। आज फर्स्ट रोज़ा है और साथ ही साथ हमने इसकी बर्थडे भी सेलिब्रेशन करनी है। मेरा और मामा जानी का रोज़ा भी है। हाँ जी, और पापा जानी का भी है और अम्मी जान का भी है। मामा जान मेरा गिफ्ट किधर है? वो हाँ जी वो रखा है अभी। तो फ्रेंड हमने पूरा यहाँ से बेड हमने उठा दिया, क्योंकि आज हम सारों ने इधर बैठना था। और ये हमारे डिकोर और बहना का, मैंने यूनिकॉर्न भी लगा दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें ये बहना का यूनिकॉर्न है, साथ में बलून, हैप्पी बर्थडे और रमज़ान मुबारक। आशा जी पहला रोज़ा तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजर रहा है। अभी बस अफ्तारी होने वाली है, कुछ ही देर रह गया, फिर जब अफ्तारी होती है तब हम आपको दिखाते हैं। देखे मम्मी जानी क्या तैयारी कर रही हैं। मैं कर रही हूँ बेटी जानी, जो होती है ना पटियां को फ्राई कर रही हूँ, और ये जो है ना दही भल्लों के ऊपर डालने के काम आएंगी। तो यार सबने पापड़ियां, हाँ सबकी तैयारी है आने की, तो फेस ली है और साथ में निहारी बना ली है। वाओ निहारी, साथ में भी रोल तलेंगे और साथ में जूस होगा, साथ में पापड़ तले जाएंगे। आमीन। अम्मी जान आपका रोजा कैसा गुजरा? बड़ी बरकतों बड़ी बरकतों वाला रमजान है, और अल्लाह ने तौफीक दी है जिंदगी में फिर दोबारा आए हैं। अल्लाह सबकी तौफीक करे, आमीन, वो रखने की तौफीक दे, आमीन, और रोजे की एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रानी आपके लिए पापा फ्राई हो रहे हैं। बढ़िया जी मामा जी, थोड़ा सा क्लिक ना फ्रिज के अंदर से भी वो अब इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला। बस अब तारीख का टाइम बताते जाना साथ साथ। मैं मम्मी 5:17 हो गए। बर्थडे गर्ल रेडी रेडी जी। आज है फबीहा मैडम की बर्थडे, तो बर्थडे सेलिब्रेशन होगी अभी थोड़ी देर में विद अफ्तारी। ठीक है फर्स्ट बर्थडे जो है अफ्तारी के साथ। मैडम सब आएंगे, फबीहा चुचू भी है साथ। चुचू मैंने ये खरीदा है, स्टोन्स खा रहे आपके हैं? ओ ओ स्टोन्स खा रहे हैं। ओ ओ ओ ओ वो खाएगा, खा जाएगा तो वो फिर मर जाएगा ऐसे। हैं परी देखो, इसको भूख लगी है ना, भूख लगी है बेचारे को। दांत लो इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें कितना प्यारा मजे का केक बना है, कितनी मेहनत के साथ। वाह जी वाह, मोहब्बत के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ।
फबिया कैसा केक है? माशाल्लाह मुझे भी दिखाओ। ओ नाना बाबू भी आ रहे हैं। नाना बाबू भी आ गए। कितने नाना बाबू कितने गए? ताया बाबू को दिखाओ। चलो भाई वन हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू फबिया। इधर आ आ ये क्या मिला भाई की तरफ से? फबिया थैंक यू बोलो भाई को। भाई को थैंक यू बोलो। फबिया भाई थैंक यू भाई। ये फाद की भाई भैया टेस्ट करके बताओ कैसा? वो किधर है? ये लो स्पून ले लो। मजे के गिफ्ट इकट्ठे हो गए हैं जी। अब तो अनबॉक्सिंग होगी जी। तो फबिया क्या क्या निकला है गिफ्ट में से? ये तो बड़ी मजे की चीज निकला है। मुझे तो लग रहा है पिज्जा निकला है। वाओ भाई भाई ने तो बहुत मजे का गिफ्ट दिया है। फबियास फेवरेट गिफ्ट दिया। सीजर मैं देता हूं पहले ज़ैनब आपका खोलेंगे। ओके तो इतनी सारी चीजें मैं आपको कार्ड देता हूं आपको। मामा को नहीं साथ बिठाना हां जाना भाभी आ जा तुम ही बच्चे बच्चे भाई और ओपन करो ना इसको। फाद भाई का कैसा है? उसने बढ़ा दिया पिज्जा दिया भाई ने तो पूरा। बहना ने तो उसको दान दी थी ना। वाओ वाओ क्या निकला मुझे भी बताओ। भैया मार्कर कलर सीधे तो करो जरा। खुद के मार्कर कलर इधर दिखाओ अपनी ऑडियंस को। भैया जैनब बापी आ जा देख इधर आज इतना प्यारा उनको पसंद आया। मम्मी की आपका गिफ्ट तो हमने पहले ही देख चुकी थी। पहले ही देख आ जा तेरा वाह हो गया। भैया ये गुड़िया के बाल ना कटिंग कर देना। आपने मेरे मार्कर कलर अब ये जा क्या कर रहा है? उप्पो लेके आई हूं मैं। नहीं गई दादा का उप्पो सारी चीजें उप्पो लेके आई हूं। चलो जी ये ले। ओके ये नहीं है चलो रखो नेक्स्ट की दो तीन चीजें और। ये तो मैंने पहले से। चलो अब क्या खोलना है दो मुझे। तो फातिमा भी का गिफ्ट ओपन कर दो ना इसको रखो अब से। ओके कौन सा करें ओपन? ये किस का नहीं है? फातिमा भी के सारे ये ओपन ही है। देखो नजर दो आ रहा हेयर बैंड मुझे लग रहा है इस पे। मैंने पहले ही चेक कर लिया था। इसमें बड़ा था नाइस। आप ही का भी पर्पल है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फबिया को पता चल रहा है कि क्या गड़बड़ है इसमें। भाई जान वाओ मुझे भी दिखाओ। वाओ कितने प्यारे प्यारे टॉप से डक बनी हुई है। ये तो ऑडियंस को दिखाओ। मम्मा वाओ कितने प्यारे हैं। अच्छी वाली बहुत खूब बहुत खूब। भैया नेक्स्ट पोनी है पोनी। वाह
दो पोनियां निकल आई। ये पापी को मेरा साइज पता है। अच्छी पोनी दी है। मैं नाम मैं ये खो रहा हूँ। थैंक यू बोलते हैं ना। थैंक यू पापी। तो वो जाना पापी को। थैंक यू पापी। सारा कुछ तो इसको पहले ही पता चल गया था। ये क्या मसले हो गए हैं। भाई का भी एक वायलेट, एक मेरा वायलेट, मुझे बताइए। वाह दिखाओ जरा इधर ऑडियंस का दिखाओ जरा। वाह कितनी प्यारी बार्बीज बनी हुई है। ये तो दोनों आपास बनी हुई है फबिया की है ना। एक में पैसे, एक में वो डाल लेना अपनी पेंसिलें कॉलर। ये क्या निकला? क्या ये मुझे दिखाओ। पिन है। दिखाओ ना इधर दिखाओ। न्यू आई है ये पिन। वाओ ये भी डॉल्स बनी हुई है कितनी प्यारी है। वाह जी वाह फबिया की तो मोजे लग गई। इतनी ज्यादा वाली पिन्ने आ गई। इस पे लेनी नहीं पड़ेगी इसको। हाँ इस पे नहीं लेनी पड़ेगी। अब इस पे इसको कुछ नहीं मिलेगा। सही है ना। ड्रेस लिया ना बस। कैचर भी मिली। ओके वाओ ये प्यारी है। ये खुला अब ये इसकी बारी है। ओ ये तो मैं भी खाऊंगा। मिली हुई है तो मार को सब कुछ मिला था। मार को सब कुछ मिला था है ना। मिला था ना चॉकलेट। वो तो बैठे हैं। फबिया ने तो पिज्जा भी शेयर कर दिया। ठीक है ये देखो ये चॉकलेट। बहुत मजे का था फबिया। थैंक यू जी। मैं फारिग हो गई और मैंने फबिया के लिए सरप्राइज गिफ्ट जो है ना वो रखा हुआ था। और था फबिया। वाओ ये क्या है। लंच बॉक्स। वाओ कितना प्यारा लंच बॉक्स है फबिया। ये चाहिए था मेरी फबिया को। है फबिया। फबिया इधर। थैंक यू अगेन। ऐसे करके दिखाओ। मामा का तो स्पेशल वाला थैंक यू बनता है वैसे उठ के ठंडी डालने वाला। हाँ जी जी ऐसे वाला। देखो मामा ने इतना मजे का केक भी बनाया फबिया के लिए और गिफ्ट्स भी इतने अच्छे अच्छे दिए। चलो सबको थैंक यू बोलो जिन जिन ने गिफ्ट दिए। ठीक है आप सबके आने का भी शुक्रिया करो। सबके आने का भी थैंक यू सो मच। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दें।